वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज सबसे पहले आप लोग को हैप्पी होली का दहन और साथ में हैप्पी होली मेरे इस प्यारे से फैमिली को, और आपकी होली बहुत अच्छे से जाए और अच्छी अच्छी आप चीज़ें बनाओ और खाओ, साथ में कलर्स भी लगाओ सभी को। होली के दिन तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी इसलिए मैं आज ही आप लोगों को बोल दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी कम्युनिटी मैं जाकर के, आप वहाँ देख सकते हो। होली के दिन मैं आप लोगों को ज़रूर विश करूँगी क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो प्रोडक्ट होने वाली है वो बेसिकली आपकी एक्सफोलिएटिंग जेल होने वाली है, जिससे आपकी डेड स्किन सेल्स एंड आपकी जो भी डर्ट एक्युमुलेट हो गई है बॉडी में वो सारी अच्छे से ये निकाल देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें एंड बेल को प्रेस कर लीजिएगा नई वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गो इनटू दिस। सो फ्रेंड्स आज की जो प्रोडक्ट है वो है सैनफे की इंस्टेंट टैन एंड डेथ स्किन रिमूवल एक्सफोलिएटिंग जेल। ये बेसिकली आपको मैं पहले ही बताई हूँ, डेथ स्किन सेल्स को हटाती है, डर्ट एक्युमुलेट हो गई है बॉडी में, टैन हो गई है तो उस चीज को पूरी अच्छे से निकालती है, पूरी क्लियर आउट करती है। प्राइसिंग की फ्रेंड्स बात करें कि आपको किस प्राइस में क्या क्वांटिटी मिलती है, तो क्वांटिटी आपको 100 ग्राम की पैकेजिंग आती है और ट्यूब की फॉर्म में आती है आपको। इसकी एक और आती है जो इंस्टा टैन रिमूवल है, शायद वो मैंने चैनल पे रिव्यू दिया है, वो भी आप देख सकते हो। इसकी प्राइस आपको बिलो 350 में मिल जाएगी फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां चेकआउट आप जरूर कीजिएगा। जहां से मुझे सस्ती लिंक मिलती है मैं वहीं से आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आपको ज्यादा मनी वेस्ट ना हो और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिले फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बात करें इसमें क्लेम्स क्या है आपकी, तो सबसे पहले जो भी आपकी टैन हो गई है बॉडी में, आपको बहुत ज्यादा टैन है तब भी ये रिड्यूस करती है, कम टैन है तब भी रिड्यूस करेगी। डेथ स्किन सेल्स जो होती है उसको स्क्रबिंग के थ्रू, एक्सफोलिएटेशन के थ्रू पूरी अच्छे से ये क्लियर आउट कर देती है। जैसे कि हम लोग जो मैल छुटाते हैं अपनी बॉडी पे वही वो डेथ स्किन बन जाती है, और वही वैसे ही ये टैन को भी रिमूव करती है। एकदम जेल कंसिस्टेंसी की है, पूरी क्लियर जेल आपको मिलेगी। अच्छे से क्वांटिटी लेनी है, ज्यादा भी क्वांटिटी नहीं लेनी है, बॉडी पे अच्छे से लगानी है आपको, स्क्रब टाइप में करनी है, रब करनी है, ज्यादा हार्शली नहीं करनी है आपको, लाइटली आपको रब करनी है। पूरी आपकी जो गंदगी है बॉडी में, टैन हो गई है, वो सारी चीज को ये निकालती है फ्रेंड्स। ठीक है, साथ में अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है बॉडी में, यस फ्रेंड्स बहुत किन्हीं को ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, स्पेशली मुझे तो ठंडी में हो जाती है, जब जो कि मैं स्क्रबिंग डेफिनेटली करती हूँ आप बॉडी में, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है और साथ में लेग के राउंड भी हो जाती है। थोड़ी सी मेरी स्किन स्ट्रॉबेरी स्किन है, लेग में है, हैंड में नहीं है मेरी, तो थोड़ी मोड़ी मुझे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्क्रबिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम से झेल रहे हो इस चीज को, तो ब्लैकहेड्स की भी ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, एकदम स्मूथ स्किन देगी, क्लियर स्किन देगी आपकी, और साथ में स्किन जो टोन है उसको इवन आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कौन कौन यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये सारे कोई जेंडर यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनी गई है। 18 के प्लस यूज करें, हाँ 18 के प्लस आपको डेफिनेटली इसे यूज करनी है, 18 के बिलो नहीं ये सब यूज करनी है आपको। यूज भी करनी है तो DIYs लगाएं, आप चावल का आटा ले लें, तो ओट्स से आप कर सकते हो, कॉफी से कर सकते हो, बेसन मुल्तानी मिट्टी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो घर में आपको मिल जाती है। चीनी भी बहुत अच्छे से आपको एक्सफोलिएट करती है, आपको पूरी एकदम उसको क्रस्ट करके अच्छे से लेनी है आपको, ज्यादा भी पाउडरी फॉर्म में नहीं लेनी और ना ही वो पूरी होल फॉर्म में लेनी, जैसे जो भी शेप रहती है चीनी की इसको ऐसे में वो पूरी नहीं लेनी है आपको, थोड़ी सी क्रश आउट करके लेनी है। इस टाइम आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी चाहिए, जो कि है आपको यूज करनी चाहिए तो फेस में सनस्क्रीन जरूर यूज करें, बॉडी में बॉडी लोशन यूज करें, आप साथ में एक मॉइस्चराइजर फेस में जरूर लगाएं, अच्छी वाली मॉइस्चराइजर, इससे ज्यादा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो स्किन केयर उस टाइम इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, फिर स्किन केयर आप तो कर ही लोगे, उसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद तो स्किन केयर करना ही है।
इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान दें, ज्यादा प्रोडक्ट यूज ना करें जिनके बिलो वाले। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिल जाती है। सबसे पहले आपको इसमें लैक्टिक एसिड मिलती है, जो लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हो कि कर्ड में पाई जाती है, और वही लैक्टिक एसिड इसमें डाली गई है और अच्छे से ये क्लियर आउट करती है, स्किन टोन को लाइटन अप करती है, इवन स्किन टोन आपको बनाएगी, स्क्रबिंग में आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगी। और भी 3-4 इंग्रेडिएंट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स आपको क्लेंस करके देती है बॉडी को, साथ में स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी जो भी बॉडी की स्किन है उसको अच्छे से डेड स्किन से उसको हटाती है, अंदर की स्किन आपको क्लियर स्किन प्रोवाइड करती है आपको। ये बेसिकली एक आपको एक्सफोलिएटिंग जेली है फ्रेंड्स, जो स्क्रब करती है आपको बॉडी में टैन की प्रॉब्लम हो, पूरी मैल जम गई है तो उस चीज को बहुत इजिली निकाल देती है। आप ऐसे सिर्फ सोचोगे कि आपकी पूरी अच्छे से डेड स्किन निकल जाए, सेल्स तो नहीं निकलती है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ लगानी जरूर होती है। अगर आपकी बहुत ज्यादा हो गई है टैन, उस टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। कम टैन में आप इसकी जो दूसरी प्रोडक्ट आती है, एक मास्क की तरह है, फेस पैक नहीं बोलेंगे, बॉडी मास्क की तरह है, तो उस चीज को आप लगा सकते हो, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलती है। साथ में फ्रेंड्स इसमें आपको परफ्यूम मिल जाती है, तो थोड़ी सी आपको एक अच्छी सी स्मेल भी प्रोवाइड की गई है कि आप जब लगाओगे तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एक स्मेल मिलेगी। लेकिन इसके यूजेस की बात कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि यूज कैसे करनी है, तो आपको गंदी बॉडी में यूज नहीं करनी है। सबसे पहले बॉडी को क्लीन करके कोई भी आप बॉडी वॉश या सोप लगाते हो, जो भी आप प्रेफर करते हो वो लगा सकते हो। क्लीन करने के बाद अच्छे सी क्वांटिटी में आपको लेनी है, ज्यादा भी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, बॉडी के अकॉर्डिंग जहां पे भी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लेकर वहां पे अच्छे से 2-3-4 मिनट भी आप अच्छे से मसाज करनी है। मैं थोड़ी सी आपको टाइटली थोड़ी सी करनी है मसाज, जैसे कि स्क्रबिंग कैसे करते हो आप लोग बॉडी पे, सेम वैसे ही करनी है। और अच्छे से करने के बाद वो जितनी भी टैन है सारे निकाल देती है। फिर वॉश आउट करके आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं अपने बॉडी में। नहीं भी लगाना चाहते हो तो आप वो आप समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि मॉइस्चराइजर स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे आप तो जल्दी ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है, और 25-26 के बाद जो हमारी कोलेजन की जो अमाउंट होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो स्किन को मॉइस्चराइज आप पहले से करोगे तो आपकी स्किन हमेशा अच्छे से रहेगी, एकदम यंग टाइप में दिखेगी आपको, जल्दी एजिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, और एक सैनफेब बहुत अच्छी ट्रस्टेबल ब्रांड है। आपको इसमें जितनी भी प्रोडक्ट मिलती है सारी अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, कोई भी आपको इसमें खास केमिकल्स नहीं मिलेगी और ना ही बहुत ज्यादा आपको इसमें साइड इफेक्ट्स मिलती है। साइड इफेक्ट्स इसमें तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ही आपको बहुत अच्छी मिलाई गई है, कोई भी इसमें केमिकल्स आपको नहीं मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।